मुंबई बॉलीवुड करोड़ों लोगों के सपनों का घर यहाँ की एक बड़ी पहचान है मन्नत शाहरुख खान का घर भारत के सुपरस्टार का शाहरुख अभी जा रहे हैं फिल्म सिटी लेकिन आज ये वहाँ किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं वो आज टेलीविजन के लिए एक सेलिब्रिटी चैट शो में मेहमान के तौर पर भाग लेने जा रहे हैं जिसे होस्ट कर रही हैं उनके साथ चार फिल्में कर चुकी प्रीति जिंटा जो छोटे पर्दे पर कदम रखने वाले फिल्म कलाकारों की फेहरिस्त में सबसे नई है वेलकम टू अप क्लोज एंड पर्सनल विद मी फीजी शाहरुख ने भी छोटे पर्दे से ही शुरुआत की थी और 1980 के दशक के आखिरी दौर में आए टीवी सीरियल फौजी से शुरुआत करने वाला ये कलाकार आज बॉलीवुड का किंग खान कहलाता है पिछले 20 साल में इनके साथ साथ भारतीय टेलीविजन भी नई बुलंदियों तक पहुंचा है आई थिंक देयर इज सच अ ह्यूज स्कोप फॉर एंटरटेनमेंट एंड मीडिया द डिजायर एंड द डिमांड इज रियली ह्यूज फॉर एंटरटेनमेंट फॉर advertising which I believe is a part of entertainment or selling goods in an entertaining way television itself I think the demand is so high and the supply is so less that growth is only natural you know I mean I've heard TV grow at the rate of 5 times more than the film industry in India it's like the right thing to be happening right now and you know to be I've seen it grow hugely and it's I'm fortunate actually to be born in these times 1990 में जहां सिर्फ दो सरकारी चैनल थे वहीं आज करीब 600 चैनल हैं और उनकी गिनती लगातार बढ़ती जा रही है आज भारत में टेलीविजन करीब 2 करोड़ घरों तक पहुंच चुका है वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ हम थे भी हम हैं भी और हम होंगे भी कई दशक तक भारत में टेलीविजन का मतलब था दूरदर्शन जब मैं नहीं था मालगुड़ी का मक्खन मद्रास और मदुरई में मार्केट करूं तो मजा आ जाएगा सरकार के इस इकलौते चैनल की पहुंच करीब 70 लाख घरों तक थी सत्तार मगध की भूमि पर पैदा हुआ है मगध की भूमि पर ही मरेगा दूरदर्शन की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी तब गिनती के ही कार्यक्रम थे कुछ गिने चुने सीरियल दिखाए जाते थे जैसे कि हम लोग बुनियाद और महाभारत लेकिन जब इन कार्यक्रमों के प्रसारण का वक्त आता तब सड़कें खाली हो जाती थी मानो सन्नाटा पसरा रहता था लेकिन तभी आया CNN और तस्वीर बदलने लगी दिस इज अ CNN स्पेशल रिपोर्ट 1991 के खाड़ी युद्ध के वक्त इसे भारत में प्रसारण की अनुमति दे दी गई थी Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. अचानक ही भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया और तब 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में भी नए निजी चैनल शुरू हो गए उनकी शुरुआत करने वालों में से एक थे सुभाष चंद्र गोयल उपभोक्ता सामान का ये व्यापारी मीडिया मोगल बन गया हमने पहले टीवी चैनल शुरू करने के बारे में नहीं सोचा था हम तो सरकार और आम लोगों के बीच संचार का एक जरिया बनाना चाहते थे और वहीं से शुरुआत हुई थी लेकिन शुरुआत के बाद ये इतनी तेजी से फैला कि अगले 1 साल के अंदर ही हम 60 लाख से ज्यादा घरों तक पहुँच गए 1 अक्टूबर 1992 को गोयल के जी टीवी ने पहला प्रसारण शुरू किया और उसके बाद तो आने वाले दिनों की पूरी तस्वीर ही बदल गई। जी पर मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ था और उसके कार्यक्रम वैसे नहीं थे जैसे दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहे थे एक मंच पर किए जाने वाले नाटक जैसे अब कार्यक्रम युवाओं के लिए बनने लगे थे उनकी पसंद के मुताबिक ज्यादा मनोरंजक यही वजह थी कि युवा दर्शकों को जी टीवी पसंद आया और उसके बाद
भारतीय दर्शकों की उम्मीदें भी बढ़ने लगी, वो ज्यादा चाहने लगे और उसके बाद ही नए किस्म के लोग आए जो बिल्कुल अलग किस्म के कार्यक्रम बना रहे थे। उसके बाद तो बाजार में निजी निर्माताओं की बाढ़ सी आ गई और सब घर बैठे देखने वाले दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने को बेताब थे। अचानक ही कई प्रोडक्शन कंपनियां शुरू हो गई। उन कामयाब निर्माताओं में से एक थी एक 18 साल की लड़की जिसने शुरुआत की थी अपने घर के गैराज से। वो थी एकता कपूर। वो अपनी बालाजी टेलीफिल्म्स की चेयरपर्सन है और आज वो करोड़ों डॉलर की कंपनी है। 1970 के दशक के मशहूर फिल्म स्टार जितेंद्र की बेटी एकता व्यावसायिक टेलीविजन की पहचान बन गई। I think TV for me was not a profession initially. It was a way of probably earning extra pocket money. But I enjoyed the medium so much creatively that I went ahead and did it with a lot more passion later. अनजाने दिल मिल जाते हैं चाहत के गुलशन खिल जाते हैं। Even we at that time didn't know the power of television. We didn't really realize that once the cable boom comes, there will be so many more homes that will be getting television, and it no longer will be a small scale industry. ये लड़ाई धर्म की नहीं कर्म की होगी। नई पीढ़ी के टीवी प्रोड्यूसर उन निर्माताओं से बिल्कुल अलग थे जो दूरदर्शन के कार्यक्रम बनाते थे। हमने नए निर्माताओं पर भरोसा किया, उन युवा निर्माताओं पर जो इस उद्योग के लिए नए थे। बस आज तो तोड़ ही दिया। पुराने निर्माताओं के साथ काम करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो ना सिर्फ प्रति एपिसोड बहुत ज्यादा पैसे मांगते थे बल्कि वो पैसे एडवांस में भी मांगते थे। हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये कामयाब होगा या नहीं। I was one of the people who started a new production house because I wanted to tell a story. I realized that people want to do creatively different stuff on television and they were looking for support. And channels, whenever they came out to support and not interject or intervene in the creative process, found that they did something, something of value, something substantial, something that got appreciation. दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और तब एकता कपूर और उनके जैसे दूसरे निर्माताओं के बनाए फैमिली मेलोड्रामा घर घर की पसंद बन गए। इसके बाद भारत का टेलीविजन यहाँ के फिल्म उद्योग का छोटा भाई भर नहीं रहा। टेलीविजन इज as a matter of fact, I think one of the biggest standards now for even movies is how much does your movie rake in, not just in terms of money, but in terms of eyeballs, in terms of TRP, in terms of ratings when it is released. It has become as important as in the cinema theater. So even the outside content of television has become important as far as business is concerned. दुख की बात है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हीरा कभी मुंह में नहीं डाला जाता। Television as an industry turns over, tenfolds what the film industry turns over. The quantity of programming on television in a week, the film industry doesn't do in a year. If you're talking about 10 channels and 10 hours of programming on every channel, so in a year you're talking about thousands of hours of programming. टेलीविजन सीरियल के रूप में नई नई धारणाओं का इस्तेमाल किया और उसे करोड़ों लोग बड़ी शिद्दत से देखने भी लगे। हर हफ्ते एक नए सितारे का जन्म होता है। कभी किनारे बैठकर खेल देखने वाले ये टीवी के सितारे आज फिल्मों के सितारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कुछ ने तो राजनीति में हाथ आजमाए और जीते भी, और कुछ ने भारत के छोटे शहरों में रहने वालों को बड़े बड़े सपने देखने के मौके दिए। I feel television has given me all that I have today as an actor, as a politician as well. That today we have many more choices as viewers and we have many more choices as participants or people who want to be a part of the television medium per se. And I feel that is what makes television today much more different from what it was 20 years ago. It is more about choices today, more about opportunities. मुझे जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, टेलीविजन से मिला है। अब मुझे तलाश है सच्चे प्यार की, और वो भी टेलीविजन से ही मिलेगा। टेलीविजन मेरी मोहब्बत,
मेरा ईमान, मेरा जुनून, मेरा मकाम। I am what I am because of television. There are a lot of people who remember my debut film Jaan Tere Naam, but I am today I'm if I'm known, I'm known because of my work on television. For me, I can very safely say that it's been a life-changing experience. भारत की करोड़ों गृहिणियों की पहली पसंद बनने के लिए टीवी धारावाहिकों में औरतों को अहम किरदार दिए जाने लगे। इसके साथ ही टीवी के धारावाहिकों के मुख्य किरदार ने औरत के रूप में एक नया अवतार लिया। People started to talk about, especially women, about issues that they had, and they found solutions within the given parameters of their relationships. What they saw on screen is something that they tried to duplicate in real life. औरतें सिर्फ पर्दे पर ही नहीं छाई थी, बल्कि पर्दे के पीछे भी वो निर्माता, चैनल हेड और एग्जीक्यूटिव के तौर पर हर उस क्षेत्र में हावी होने लगी जहां अहम फैसले लेने थे और जहां कभी मर्दों का दबदबा था। When we started off, we were probably the only production house that hired women, and we wanted to hire women because they were much more methodical, from choosing the makeup to the clothes to having actually schedules worked out, daily schedules. They have stronger temperaments to handle, and everyone was like, why hire so many women? We're like, why not? Today, if you see most of the TV producers, at least half of them are women. टेलीविजन ने औरतों को एक ऐसा मंच दिया है जिससे वो आगे आ सकें, क्योंकि आज ऐसे कार्यक्रमों की मांग बढ़ गई है जिनके केंद्र में औरत हो, खासकर डेली सोप और सीरीज के मामलों में। औरत ही औरत की सोच को समझ सकती है। इसी वजह से आज क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर औरतों की बहाली की जा रही है। इससे औरतों को काफी बेहतर मौके भी मिल रहे हैं। भारतीय टेलीविजन ने आदमी और औरत की समानता को नए मायने दिए हैं। I've never considered myself being sidelined to the female lead. But yes, I have in my entire career got a lot of criticism by the audience when they don't like the way I treat their female. I think that's the way it should be. 1990 के दशक में जहां सिर्फ दो सरकारी चैनल थे, वहां अब सैकड़ों चैनल हैं। उस लिहाज से भारतीय टेलीविजन ने काफी तरक्की की है। I mean, I've heard TV grow at the rate of 5 times more than the film industry. I am what I am because of television. 90 के दशक के आखिर में महिला किरदार हावी होने लगे। इस दौर में टेलीविजन सोप करोड़ों गृहिणियों की पसंद बन चुके थे। I feel television has given me all that I have today. टेलीविजन के मुख्य किरदार ने औरत का नया अवतार ले लिया था। लेकिन जिंदगी बदल देने वाले मौकों की तलाश में सिर्फ महिलाएं ही मुंबई नहीं आ रही थीं। A lot of people started taking media seriously, and parents are sending their children to take on jobs in, and any kind of industry opening up in opens up a lot more jobs. So definitely, I think not big, not small, but a significant contribution to the economic boom of India. Action! दो हजार की शुरुआत में टीवी उद्योग ने इस महानगर में 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। जगह जगह एक्टिंग स्कूल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलने लगे जो इन लोगों के खास हुनर को तराश रहे थे। इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद मी, यू आर कमिंग अक्रॉस एज ए पर्सन हु इज ट्राइंग टू एक्ट। When I was an actor and wanting to from work, there was no platform except for taking your pictures to and knock at the doors of the producers and see if they are interested to meet you. Today you have music competitions, reality TV shows, you have acting reality TV shows, you have just appearances on television, and from there you can be picked up for any other medium. लॉ तुमसे किया है तो बात भी तुमसे करनी चाहिए थी। ओवरऑल आई थिंक इट वाज आई लाइक्ड इट। आज अगर हम देखें तो सभी 100 भाषाओं में कम से कम 500 प्रोडक्शन हाउस हैं। हर एक ने कम से कम 500 से 600 लोगों को रोजगार दे रखा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
the amount of people television employs, not just in terms of actors, but in terms of technicians, in terms of people working for channels, in terms of people working on media activities and so on and so forth. You know, the amount of people working for and on television is immense. Wonderful that television, at least in terms of a medium, is economical enough to give people that opportunity. पुरानी सोच वाले दूरदर्शन के पैरों में सेंसर की बेड़ियां लगी थी और वो या तो सामाजिक रूढ़ियों से जुड़े कार्यक्रम दिखाता या पौराणिक या ऐतिहासिक कार्यक्रम। आज तुम्हें इसका उत्तर देना ही होगा। लेकिन सैटेलाइट और केबल टीवी के आते ही समाज में आए बदलाव और उसकी संवेदनशीलता भी पर्दे पर नजर आने लगी। कशिश मेरी आदत ही नहीं, मेरी जरूरत है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। सोसाइटी इज ओपनिंग अप। अर्लियर इन माय पेरेंट्स टाइम्स, यू नो, गेटिंग अ डिवोर्स वाज अनथिंकेबल एंड वेरी फ्यू पीपल गॉट डिवोर्स्ड। आई मीन, वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस दे वुड पार्ट, बट नाउ आई सी मैरिजेस एंडिंग इन 6 मंथ्स, 10 मंथ्स, अ ईयर एंड द मैरिज इज ओवर। देखो, मैं तानिया से प्यार करता हूं और तुम्हारे बगैर भी एक पल नहीं जी सकता। टेलीविजन इज मेयरली अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट योर सोसाइटी इज। दिस इज आर्ट टेकिंग इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ। आज टीवी पर धोखेबाजी, तलाक, प्री मैरिटल संबंध और गे सेक्स जैसे विषय वर्जित नहीं रह गए हैं। देयर वाज अ हैबिचुअल चेंज विद द सो कॉल्ड इकोनॉमिक वन दैट वाज हैपनिंग इन इंडिया। आई वाज कंप्लीटली कॉट अप and consumed to what I was doing, probably living more in the life of the characters that we were creating because they were becoming almost iconic and everything that was happening in their lives is becoming a daily dose of entertainment, discussion, even a huge amount of psychological change. सन 2000 तक टीवी उद्योग ने इस महानगर में 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। Any kind of industry opening up opens up a lot more jobs. Amount of people working for and on television is immense. लेकिन सैटेलाइट और केबल टीवी के आते ही समाज में आए बदलाव और उसकी संवेदनशीलता भी पर्दे पर नजर आने लगी। टेलीविजन का बढ़ता कद, उसकी चकाचौंध, उसकी जगमगाती और तिलिस्मी दुनिया ने दर्शकों की कल्पनाओं को नई उड़ान दी। अब भारत का मध्यम वर्ग भी अमीर बनकर शान से अपनी जिंदगी जीना चाहता था। TV is about aspiration and identification. Where we made these bahus who looked like simple women and we dealt with their home issues. So the identification came from there. With the colorful saris, it was the aspiration. They would copy your hairstyles, your dressing up, your mangalsutra, your bangles, everything. So somewhere there was an aspirational value which came with the character. No doubt it was a larger than life character. It was a very iconic character. But people wanted to become that. You are achhi na? Wait, meri wali kaisi hai? Achhi hai. Agar aap 1992 se pehle ki भारत की सड़कों पर देखें और 95-96 के बाद की सड़कों पर देखें तो आपको वो फर्क बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। आप देखेंगे कि लड़कियों के पहनावे में फर्क आया है, लड़कों के कपड़ों में बदलाव आया है, लोगों में सलीके से कपड़े पहनने की भावना जागी थी और इसकी वजह था टेलीविजन। दर्शकों की उस प्रेरणा को और भड़काया था करोड़ों रुपयों के विज्ञापन जगत ने। लगातार बढ़ते चैनलों की वजह से विज्ञापन और कमर्शियल स्पॉन्सरशिप में भी तेजी आई। यहाँ रेटिंग और रेवेन्यू को देखते हुए स्पेस पाने की होड़ बहुत बढ़ गई। जिंदगी की दौड़ में जीतो। अब तो फिल्मों का बड़े से बड़ा स्टार भी छोटे पर्दे पर सामान बेच रहा था। सिर्फ 3 रुपए। आज फिल्मों के सितारे भी समझ चुके हैं कि टेलीविजन ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का जरिया है। तभी तो आज अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान जैसा हर बड़ा सितारा आए दिन ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन पर नजर आ रहा है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। एडवर्टाइजिंग इज ग्रोइंग, द इकॉनमी इज ग्रोइंग, यू नो, द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू ग्रो, एंड इफ द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू ग्रो, पीपल विल एडवर्टाइज फॉर इट। आई हैव सीन इट ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। I myself endorse, I think, 20 products, and every time I go, they get bigger and larger and better.
till people desire to buy goods, which is, I think, till the end of time, there will be advertising. And in India, it's like the right thing to be happening right now. फिल्मों के सुपरस्टार शाहरुख खान मानते हैं कि उनकी जिंदगी और करियर ने पूरा चक्कर लगा लिया है। चक्कर पे चक्कर, पंगे पे पंगा। फिल्मों के सितारे अब टीवी के जरिए अपने दर्शकों के करीब पहुंच रहे हैं। Welcome to Big Boss Season 4. I've been a television actor for a decade, but I'm doing films. There are people from films coming on to television, big names of the film industry are now on television. मैं इधर साथ वाले ऑफिसर को विजिट कर लेता हूँ। ये आपके साथ वाले घर में कौन रहते हैं? अगर 20 साल पहले शाहरुख खान ने पूरी कामयाबी के साथ छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर पूरा किया था, तो फिल्मों के मेगा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने फिल्मों से छोटे पर्दे पर कदम रखा और 2001 में वो Who Wants to be a Millionaire के भारतीय संस्करण के साथ छोटे पर्दे पर आ गए। कौन बनेगा करोड़पति ने टेलीविजन की एक नई परिभाषा लिखी और उसके साथ ही बड़े पर्दे के कई और सितारे छोटे पर्दे पर नजर आने लगे। अक्षय कुमार, मैं हूँ अक्षय कुमार, आपके टीवी के बिल्कुल नए पर्दे पर। I like television. I think it is a little more creative than films at times, and you know, you can try out newer things at lesser risk and take that chance, and it reaches in everybody's house now. And you know, with all these mobiles coming in, with internet and internet TV, I think its access is becoming even faster. It has grown threefold compared to the film industry. Film industry is still there, 5,000 crore. I think TVs reach about 18 to 20,000 crore rupees turnover. So it's a fast growing industry. And as an entertainer, I think it's very important to be part of television. Television ne Bharat ke samaj ka naksha hi badal diya tha. आधुनिक भारत का ये नया रूप देने में टेलीविजन की बड़ी अहम भूमिका रही है। टीवी देखने वाले ज्यादातर लोग 30 साल से कम उम्र के थे। इस माध्यम को नाम और शोहरत पाने का एक बड़ा ही बेहतरीन जरिया माना जाने लगा। उसके साथ ही एक नए किस्म का कार्यक्रम शुरू हुआ, टैलेंट शो। इसकी शुरुआत हुई थी गाने के कार्यक्रमों से। उस वक्त बॉलीवुड के पास कुल मिलाकर 6 बैकग्राउंड सिंगर थे, पुरुष और महिला को मिलाकर। वो 7 भी नहीं थे, सिर्फ 6 ही थे। लेकिन सारेगामा पा के बाद 40 से 50 प्लेबैक सिंगर हो गए। टेलीविजन अब इंटरैक्टिव हो गया था और अब कोई भी थोड़ी देर के लिए शोहरत पा सकता था। उसकी वजह से कई लोगों को नए करियर बनाने के रास्ते भी मिले। अच्छी बात यह है कि लोग सही मौके की तलाश में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन ये वो जरिया था जिसमें किस्मत 500 किलोमीटर दूर भी आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देती थी। नॉन फिक्शन टेलीविजन एक्चुअली गिव्स यू दैट ब्रेक व्हिच यू डेस्परेटली नीड। लाइक इट्स लाइक इफ आई सर्व यू होम फूड एवरी डे, गोइंग आउट टू अ रेस्टोरेंट वंस अ वीक विल एक्चुअली work better for the people who cook because you actually come back with a lot more. मध्यम वर्ग को टेलीविजन से प्रेरणा मिली तो वो भी शान की जिंदगी बिताने के सपने देखने लगा। They would copy your hairstyles, your dressing up. भारतीय टीवी बदलाव और प्रेरणा का स्रोत बनने लगा था। हाय, मैं हूँ अक्षय कुमार, आपके टीवी के बिल्कुल नए पर्दे पर। इसके साथ ही एक नए किस्म का कार्यक्रम शुरू हुआ, टैलेंट शो। नॉन फिक्शन टेलीविजन एक्चुअली गिव्स यू दैट ब्रेक व्हिच यू डेस्परेटली नीड। इतना मारूंगा मार, तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? ठीक है, जबान संभाल के बात कर। मेरी तू हाथ लगा रहा, सेम गाली में तुम्हें दे रहा हूँ, सेम गाली में तुम्हें दे रहा हूँ। इवन इफ यू डोंट हैव एनी टैलेंट, इफ यू आर ऑन अ रियलिटी शो, यू एटलीस्ट यू गेट योर 15 मिनट्स ऑफ फेम। राहुल, तुम्हारी क्या राय है नलिनी के बारे में? आई थिंक शी इज वेरी हॉट। और स्तुति के बारे में? नॉट। लेकिन जल्द ही रियलिटी टीवी की कामयाबी का बुलबुला फूटकर फुस हो गया। Not that kind of guys. If they are interested in me, I'll rather jump into the thing. You should. जैसे जैसे युवा दर्शकों की संख्या बढ़ रही थी, वैसे वैसे टीवी चैनल भी उनकी पसंद की खुराक परोसने की कोशिश करने लगे। नई सहस्राब्दी के साथ ही वॉयरिस्टिक टेलीविजन का दौर शुरू हो गया। सब लड़कियों के साथ
जब लग रहा था कि अब तो कुछ भी स्वीकार कर लिया जाएगा, तब कुछ भी चलता है का रवैया अपना लिया गया। आपका नाम तो लिया नहीं मैंने, तो आपके अपने आप को इंटरफेयर करते हैं हर चीज। वॉयरिज्म इज अ वेरी इंट्रिंसिक ह्यूमन नेचर, समवेयर वी आर ऑल वॉयर्स। इट्स नॉट जस्ट रियलिटी टीवी, इट्स इवन सोप्स। That's voyeurism. It's about, it's a story of somebody else's life. अब भारतीय टेलीविजन पूरी तरह से पश्चिम के रंग में रंग चुका था। आज ऐसे कार्यक्रम आने लगे हैं जो लोगों को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जा रहे हैं, लेकिन लोगों को वही पसंद आ रहे हैं। पर मैं अपनी कहूँ तो मुझे ऐसे कार्यक्रम नहीं पसंद। और कुछ देखना, और कुछ दिखाओ, और स्ट्रिप करूँ क्या? लेकिन उसके साथ ही साथ कई नॉन फिक्शन एंटरटेनमेंट चैनल भी आ रहे थे। वो महानगरों के उन दर्शकों की जरूरतें पूरी कर रहे थे जो कुछ अलग और बेहतर देखना चाहते थे। I'm not surprised if there is a desire in the audience to go for information oriented programming. I think there is tremendous amount of appetite in the collective psyche, even the collective desire of audience. To get away from many of the nonsensical programs and see the world as it really is. Instead of merely hearing about a Masai Mara, you actually see a kill. You actually see what Masai Mara is all about. Same is the case with different worlds, whether it's automobiles, whether it's two-wheelers, whether it's wildlife, music, history. Now this television has opened vistas of the world. नॉन फिक्शन एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आला दर्जे के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बड़ी तेजी से अपनी जगह बना रहे थे, चाहे वो बेमिसाल डॉक्यूमेंट्री हो जो लाखों डॉलर के खर्च से बनाई जाती हैं, या कोई और कार्यक्रम। इनके दर्शकों की संख्या बढ़ रही थी, उनकी गुणवत्ता का जवाब नहीं था और उनमें हर क्षेत्र समाया था, चाहे वो अंतरिक्ष हो, इंजीनियरिंग हो, शानदार वन्य जीव हो या फिर कुदरत से इंसान के लड़ने का जज्बा। उनकी कामयाबी की एक और वजह थी उनका कई भाषाओं में दिखाया जाना। निम्न मरुभूमिर 2000 फुट नीचे झोपझाड़ बृष्टिर फले सबुज थाके। इतना ही नहीं, नॉन फिक्शन एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एक खास वर्ग के लिए खाने पीने, सैर सपाटे, फैशन, रिश्ते, घर की सजावट, नामी हस्तियों की जिंदगी और ऐसी दूसरी चीजें भी दिखाई जाने लगी। और इस लाइफस्टाइल प्रोग्रामिंग के जरिए पश्चिम से प्रेरित शहरी दर्शकों को उनकी पसंद की खुराक मिलने लगी। यू हैव ट्रैवलॉग्स एंड डिस्कवरी एंड द फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट। आई मीन स्पोर्ट्स इज गोना कम इन अ बिग वे। यू विल हैव 20 स्पोर्ट्स चैनल्स, यू ऑलरेडी हैव फिक्शन चैनल्स, यू हैव एंटरटेनमेंट जीसीज। सन 2000 के दशक के शुरुआती सालों में करीब 2 अरब के टर्नओवर के साथ भारतीय टेलीविजन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उद्योग बन गया। विदेशी नेटवर्क तो खास किस्म के चैनलों के साथ भारतीय बाजार में उतरने लगे और वो लेकर आए फिल्मों के चैनल, बच्चों के चैनल, लाइव स्पोर्ट्स, संगीत, मनोरंजन और फैशन। इन सब का अपना एक अलग दर्शक वर्ग था। मुझे लगता है कि भारत में अलग अलग जॉनर के चैनल ज्यादा कामयाब हैं। वो दर्शक की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। आज भारत का दर्शक सिर्फ अपने पसंदीदा चैनल देखना चाहता है, वो अपनी पसंद की ही चीज देखना चाहता है। स्पोर्ट्स टीवी भी बेहद कामयाब रहा है। अब टीवी के रिमोट पर कब्जा जमाकर बैठना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि दुनिया भर के बड़े खेल मुकाबलों का सीधा प्रसारण किया जाता है। और जब क्रिकेट के साथ 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग भी जुड़ गया, तब तो इस क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के मीडिया मोगल कैरी पैकर के वनडे क्रिकेट का छोटा भाई था और टीवी के दर्शकों को ये भा गया। आईपीएल भारत में शुरू हुआ पहला ऐसा मुकाबला था जो टीवी के दर्शकों के लिए था। फटाफट क्रिकेट का जुनून, खूबसूरत चीयरलीडर और टीमों के मालिक बॉलीवुड सेलिब्रिटी, इन सब की बदौलत ये रैंकिंग वाला खेल एक ग्लैमरस खेल बन गया था। Once the desire of an economy of roti, kapda aur makan gets done with, the fourth one to follow is entertainment and the fifth one is sports.
When you see a country developing or a nation developing, that's how it normally goes. The economy of entertainment is like that. So you first finish off the necessities like food, clothing, housing. Then you look for entertainment as the next one. And once you've done entertainment, then you want sports as an entertainment. So yes, IPL being on television, being, I think, if I'm not mistaken, one of the bigger properties yearly on television, yes, has enticed, has attracted a lot of people, eyeballs to watch it. IPL के दर्शकों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है और इससे उसके ब्रॉडकास्ट अभी काफी कमाई कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह के चैनल भविष्य में बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। टेक्नोलॉजी भी उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा होगी। आज दर्शक वो नहीं देखेंगे जो उन्हें दिखाया जाएगा, बल्कि वो देखना चाहेंगे जो उन्हें पसंद होगा। हो सकता है कि आज दर्शकों को थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़े, लेकिन अगले 2, 3 या 4 साल बाद वो वही देखेगा जो वो देखना चाहता है। उसके बाद दर्शकों से होने वाली कमाई की कहानी ही बिल्कुल। दर्शकों की मनोरंजन की भूख बढ़ती जा रही थी और जल्द ही रियलिटी टीवी की कामयाबी का बुलबुला फूटकर पुस हो गया। इफ यू आर ऑन अ रियलिटी शो यू एटलीस्ट यू गेट योर 15 मिनट्स ऑफ फेम। वहीं इंफोटेनमेंट बड़ी तेजी से दर्शकों के बीच अपनी पैठ बना रहा था। देयर इज अ डिजायर इन द ऑडियंस टू गो फॉर इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम। यू हैव ट्रैवलॉग्स एंड डिस्कवरी एंड द फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट। स्पोर्ट्स टीवी ने अपनी अलग पहचान बना ली। IPL बीइंग ऑन टेलीविजन यस हैज एंटाइस्ड हैज अट्रैक्टेड लॉट ऑफ पीपल आईबॉल्स टू वॉच इट। एक तरफ मनोरंजन और खेल के चैनलों ने मुंबई में अपना ठिकाना बनाया, तो टीवी न्यूज चैनलों ने दिल्ली को अपना मुख्यालय। देश की राजनीतिक राजधानी होने की वजह से वो न्यूज चैनलों की पहली पसंद थी। ढेरों न्यूज चैनल, रोजाना की खबरें, रुक करते हैं मेरठ का। आई थिंक इंडियंस स्टिल आर एक्सट्रीमली हिपोक्रिटिकल अबाउट सेक्स। लाइफस्टाइल से जुड़ी बातें और अहम मुद्दों पर होने वाली बहस दिखा रहे हैं जो भारतीय टेलीविजन में लगातार नई जान डाल रहे हैं। इन दिस स्पैन ऑफ लास्ट 8 to 9 years वी सी hundreds of television channels, national as well as regional, giving us news. So the scenario of news has definitely changed. We have region specific money, revenue, region-specific revenue, funding regional news channels. We have national, revenue, funding the national news channels. Good evening, hello and welcome this Tuesday night, your destination for the news maker. News, जो कभी सरकारी ब्रॉडकास्टर का क्षेत्र था, उसमें भी अब मुकाबला शुरू हो गया था और हिंदी और अंग्रेजी के दर्जन भर से ज्यादा चैनल बाजार में उतर चुके थे। जब राजनीति हावी हो असल मुद्दों। क्षेत्रीय भाषाओं के न्यूज चैनल राष्ट्रीय स्तर के निजी चैनलों को क्षेत्रीय खुशबू दे रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण के दौरान भारत में 50 से ज्यादा क्षेत्रीय न्यूज चैनल थे। The atmosphere of management of a governmental news channel, where there is no competition, where there is, even if there is competition, they couldn't care, because the money is coming from elsewhere. The money is sanctioned by the planning commission, given to the ministry gives money, you earn your revenue, you fund it back, goes to the consolidated fund of India, etc., etc. Your belly is not on fire. Whereas, we have to go in for minute-to-minute dipstick surveys in a scenario, highly competitive scenario, where 15 channels are competing against you. So, this also means striving for excellence. This could also mean degenerating into obscurantism. भारत में कई भाषाएं हैं, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, कई और भाषाएं हैं और सबका ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कमाई सिर्फ टॉप 3 चैनलों की ही होती है। हमारे यहाँ एक हिंदी, दूसरा मराठी जीसी भी है, एक मराठी न्यूज चैनल है, दूसरा मराठी न्यूज चैनल भी है। ऐसा लगता है कि भारत के अंदर यूरोपीय देशों का संघ बन गया है, जहां कई छोटे छोटे देश हैं जो एक बड़े से देश भारत में समाये हैं। हमें अलग अलग किस्म के क्षेत्रीय भाषाओं के भी चैनल चाहिए, क्योंकि वही उस क्षेत्र की जरूरतें, संस्कृति और उनकी खास पसंद को पूरा कर सकते हैं। ఆ తులసాకు తీసేసి చూద్దామా తూగాడో లేదో। ढेर सारे न्यूज चैनलों की तरह ढेर सारे क्षेत्रीय चैनल भी बाजार में हर जगह आ गए। भारत की क्षेत्रीय और भाषाई विविधता ने उन्हें भी हिंदी और अंग्रेजी के चैनलों के साथ फलने फूलने का मौका दिया। It is unity in diversity. If we try to do away with the diversity, we might have a united India, but a very docile, non-vibrant
India. To keep it as vibrant as it is, you'll have to allow the diversity, accept the diversity, and still stay in it. आज रीजनल एंटरटेनमेंट चैनलों की संख्या 100 से ज्यादा है और औसतन हर भाषा के 4 मनोरंजक चैनल हैं। श्विक मार्क पोलराइजिंग ऑफ द ऑडियंस इज समथिंग ऑफ व्हिच द फ्यूचर विल हैव टू सी आई विल हैव टू क्रिएट सॉफ्टवेयर वी ऑल प्रोड्यूसर्स विल हैव टू क्रिएट सॉफ्टवेयर इन द फ्यूचर फॉर वेरियस ऑडियंसेस क्लियरली कीपिंग अ नेशन माइंड लेकिन भारतीय टेलीविजन का बुलंदी तक का ये सफर आसान नहीं रहा निजी चैनलों के आने के करीब 9 साल बाद भारत सरकार सन 2000 में केबल टीवी एक्ट लाई और निजी कंपनियों को कार्यक्रम प्रसारण का कानूनी हक दे दिया ये उद्योग पूरी तरह से संगठित नहीं था और जब ये शुरू हुआ था तब ये गैर कानूनी था लेकिन बाद में विधेयक आया लेकिन वो विधेयक अधूरा था क्योंकि वो जंगल राज को बढ़ावा देने वाला था अब तो कोई भी बिना इजाजत लिए अपना टीवी चैनल शुरू तरफ मनोरंजन और खेल के चैनलों ने मुंबई में अपना ठिकाना बनाया तो टीवी न्यूज चैनलों ने दिल्ली को अपना मुख्यालय नई सहस्राब्दी के शुरुआत के साथ ही क्षेत्रीय चैनलों की बाढ़ सी आ गई टू कीप इट एज वाइब्रेंट एज इट इज यू विल हैव टू अलाउ द डाइवर्सिटी एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी एंड स्टिल स्टे इन इट लेकिन भारतीय टेलीविजन का बुलंदी तक का ये सफर आसान नहीं रहा इस व्यवसाय का आखिरी सिरा तो हमेशा केबल ऑपरेटरों के हाथ में ही होता है वही केबल के जरिए देश के दूर दराज के कोनों तक टीवी सिग्नल पहुंचाते हैं 2007 में डीटीएच आया डीटीएच यानी डायरेक्ट होम टेलीविजन की मदद से टीवी चैनल अब सीधा ग्राहक को उपलब्ध थे और वो अपना डिश एंटीना लगाकर सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ सकता था उससे हर महीने करीब 7 लाख नए दर्शक जुड़ रहे हैं 2012 में भारत सरकार ने ये जरूरी कर दिया है कि हर टीवी सिग्नल डिजिटल हो इससे ग्राहकों को अब ये सुविधा मिल गई थी कि वो और ज्यादा चैनल देख सके पश्चिम की तरह भारत में भी कमाई के लिए ब्रॉडकास्टर ग्राहकों से मिलने वाले पैसों और विज्ञापनों पर निर्भर रहते हैं टीवी कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है टैम टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी वो पैमाना है जिससे अलग अलग नेटवर्क पर दिखाए जाने वाले टीवी कार्यक्रमों की लोकप्रियता मापी जाती है और हर हफ्ते उसकी रिपोर्ट आती है जब 1970 के दशक के शुरुआती दौर में टेलीविजन शुरू हुआ था तब सिर्फ एक चैनल था और अगले 20 साल तक वही अकेला बना रहा उस वक्त लोगों से पूछा जाता था कि कल आपने टेलीविजन देखा था क्या अगर देखा था तो कौन से कार्यक्रम देखे थे उस वक्त चूंकि एक ही चैनल था इसलिए किसी को याद रखने में परेशानी नहीं होती थी लेकिन वक्त बीता और 1990 के मध्य तक जब चैनलों की बाढ़ आई तब दर्शक को ये याद रखने में भी परेशानी होने लगी कि 10 मिनट पहले उसने कौन सा चैनल देखा था क्योंकि अब लोगों के हाथ में रिमोट कंट्रोल नाम की एक टेक्नोलॉजी आ गई थी जिससे वो चैनल बदल सकते थे ऐसा होने के बाद तो वो कागज कलम वाली तकनीक का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है तब टेक्नोलॉजी ने अपना असर दिखाया और लोग कागज कलम की बजाय एक मशीन पर ज्यादा भरोसा करने लगे थे नब्बे के दशक में शुरुआत करने के बाद से ही भारत के निजी टीवी उद्योग ने काफी तरक्की की है इस उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार ये हर साल करीब 25% की दर से बढ़ रहा है विशेषज्ञ मानते हैं कि ये उद्योग अगर और ज्यादा नहीं तो कम से कम इस दर से तो आगे बढ़ता ही रहेगा सरकार अब भारत में जबरदस्ती डिजिटाइजेशन करना चाहती है जिसका मतलब है कि अब हमारे घरों में एक डिजिटल सेटअप बॉक्स होगा और तब एक जबरदस्त बदलाव आएगा एनालॉग से डिजिटल का तब एनालॉग बंद हो जाएगा और पूरे भारत में डिजिटल टीवी होगा खासकर केबल टीवी डीटीएच भी तेजी से बढ़ रहा है जिससे कि चैनलों की कमाई भी और तेजी से बढ़ेगी आई सी ग्रेट फ्यूचर बिकॉज इट्स मूविंग इवन फर्दर फ्रॉम अ स्क्वायर बॉक्स टू अ स्क्वायर पिल इन योर हैंड अ टैबलेट सो वी आर गोइंग टू एवरी मैन पर्सनली नाउ अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में छोटे पर्दे पर आया ये उफान एक दिन किसी बुलबुले की तरह फूट जाएगा
या टेलीविजन पर दिखाए जा रहे धारावाहिकों की कहानियाँ इसी तरह सीजन दर सीजन बढ़ती जाएंगी? What we slowly realizing is that it's not the channel that matters anymore. It's the content that matters and how good or bad it is. वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी पसंद के वक्त पर अपनी पसंद के टेलीविजन कार्यक्रम अपनी पसंद की जगह पर देख पाएंगे. A lot of people are talking about the boom of television, but I think this is still the brink of the boom. The boom is yet to happen. The way we waited for milk for 3 hours on a milk booth, a telephone for 5 years, a scooter for 6 years, a Fiat car or an ambassador car for 6-7 years. Well, we had to wait to get our share of television, and we've got it now, and it's bountiful.